एक बड़ी खबर आ रही है एलएसी पर मंथन के बाद एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया। भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, ये कह दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सूत्रों के हवाले से हमें ये बड़ी खबर मिल रही है कि अजीत डोभाल का ये कहना है एनएसए का कि भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। यानी अगर चीन को ऐसा लगता है कि आने वाली सर्दियों को देखते हुए या मुश्किल हालात को देखते हुए भारत कोई ही बातचीत में पीछे हटने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं है। भारत की तैयारी लंबे संघर्ष की है। अगर चीन ऐसा चाहता है तो भारत भी लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इस पर बात करते हैं और सुमित से पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। सुमित, लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, इस पर संक्षेप में पहले आप बताइए कि इसका क्या मतलब? देखिए, इसका साफ मतलब है कि अगर विंटर से आगे भी चीन इस चीजों को खींचना चाहता है, इस स्टैंड ऑफ को या फिर इस इंसिडेंट को खींचना चाहता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। सुमित, एक खास बात, हमारी तैयारी कैसी है इसको लेकर? सुमित, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर खास तौर पर अगर आप देखें, जब चीन ने पूरी कवायद शुरू की मई महीने में तो उसको लगता था कि भारत बहुत जल्दी इस मोबिलाइजेशन को देख के चीन की डर जाएगा, निगोसिएशन के लिए बैठ जाएगा या फिर हर वो शर्त जो चीन बनाना चाहता है भारत से वो मान जाएगा। लेकिन भारत ने भी अपनी मोबिलाइजेशन इतनी सरप्राइजिंग वे के अंदर वहां पर बढ़ा दी कि अब चीन को यह लगने लगा कि अब निगोसिएशन का कोई दरवाजा नहीं बचता। तब चीन ने फिंगर फोर की रिजिस पे से हटने से साफ मना कर दिया और अब भारत का यह कदम खासतौर पर ना सिर्फ ब्लैक हाइट्स या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे एरियाज के अंदर दूसरे हिल्स पे ये एक और आपके लिए एक और मुसीबत है चीन के लिए और चीन को अब वो सारी चीजें एक रिवर्सिव पोजीशन पे माननी पड़ेगी जो चीन पहले नहीं कर रहा था। मनीष से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। मनीष, अजीत डोभाल का कहना कि भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, चीन को साफ संदेश है, संक्षेप में, फिर बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए सुमेरा, 29-30 अगस्त की रात को जो हुआ उसके बाद रायसीना हिल पर एनएसए के नेतृत्व में मीटिंग हुई और जो टॉप लेवल की तमाम मीटिंग के बाद जो रिव्यू करके जो फैसला लिया गया है वो फैसला यही है कि चीन किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर एलएसी पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और ये कभी भी हो सकता है और कई दिन कई महीने कई हफ्ते चल सकते हैं, तो आप लंबे संघर्ष के लिए जी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष, वो भी दर्शकों को बता दें, चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट करेगा भारत और जवानों की संख्या को भी बढ़ाएगा। लंबे संघर्ष के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और उसको लेकर एक्शन भी लिए जाने का फैसला लिया गया है। जवानों की तैनाती भी बढ़ाएगा भारत, ये जानकारी मिल रही है एलएसी पर, और साथ ही चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट भी करेगा भारत, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ एनएसए का बयान सुनिए आप कि हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट करेगा भारत और साथ ही जवानों की संख्या को भी बढ़ाएगा। हम एक बार फिर वापस रुख कर लेते हैं एलएसी का, जहां पर मौजूद हैं अभिषेक और उनके साथ खास मेहमान, उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अभिषेक, हेली डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, हेवी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जवानों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल का ये कहना कि लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, इन सबको एक साथ अगर जोड़ें तो क्या मायने निकलते हैं? देखिए सुमेरा, संक्षेप में अपनी बात कह करके मैं विशेषज्ञों के पास जाऊंगा, मुझे सीधा सी बात समझ में आ रही है कि मायने बहुत सीधे से हैं कि बात सिर्फ जमीनी लड़ाई की नहीं, जो चीन की स्थितियां है, जो J-20 उड़ा रहा है, बात इस जमीनी लड़ाई के आगे भी जा सकती है और वो अगर गई तो बात लंबी छिड़ेगी। आदित्य, अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, इस लंबी लड़ाई का जो पूरा पैराडाइम है आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जो है, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी बहुत टाइम से कवर कर रहा हूँ, इन्होंने चाइना को बहुत मौके दिए। हमने देखा वुहान में क्या हुआ, हमने देखा चेन्नई में क्या हुआ, शी जिनपिंग से बार बार मुलाकात की, अहमदाबाद भी उनको लेके गए, उनको पूरा घर जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया, लेकिन तब भी चाइना ने वही जो उनके थिएट्रिक्स हैं वही पीछे से वार है वही। अभी अभी इसका लद्दाख का समझाइए हमको, लद्दाख में लंबी लड़ाई क्या? देखिए, लद्दाख की लंबी लड़ाई ऐसी है कि चाइना का जो चाइना ड्रीम है, शी जिनपिंग जब 2012-13 में आए, उन्होंने चाइना ड्रीम का जो है आकलन किया, उन्होंने बोला कि हम चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो एलएसी के बाकी क्षेत्र हो, उस पर कब्जा करना है और हमको हेजमनी दिखानी है, चाइना का जो वर्चस्व है वो दिखाना है। और भारत जो है आज तक, चाहे वो कांग्रेस रेजिम में हो, कुछ हद तक बीजेपी के रेजिम में भी, कि हम उसको एक लॉन्ग रोप देते रहे कि ये सुधरेगा, अब सही होगा, लेकिन अब जो है हम एक बार आपसे भी राय लूंगा मैं, ये जो लंबी लड़ाई का मतलब क्या है कि लद्दाख से बात आगे भी बढ़ेगी, चीन हिमाचल में भी हरकत करेगा, अरुणाचल में भी करेगा, उत्तराखंड में भी करेगा? नहीं, बिल्कुल शेख, जो आप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं,
कि 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और चीन का, पूरी सीमा है, वो कहीं पर भी हरकत हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि जब एक बार गड़बड़ शुरू होती है तो आज यहाँ है कल सिक्किम में, पहले उन्होंने डोकलम में किया था, अब यहाँ पर कर रहे हैं गड़बड़। और लंबी लड़ाई में एक और इसको लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि सेना के तौर पर सेना आज तैयार है लंबी लड़ाई के लिए सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में। सुमेरा एक बात और जोड़ दूं मैं, जो अभी आपने कहा था कि डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, हमारी ये जानकारी है कि जहां जहां भी टसल है, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो देमचोक हो, चूमर हो, उन जगहों पर मोबिलाइजेशन और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है इस हालात को खासतौर पर देखते हुए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।